पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रदेश प्रधान सिद्धू का दांव फेल हो गया है। सिद्धू ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइड कराया, लेकिन सिद्धू चन्नी के आगे फेल हो गए। चन्नी एक बार फिर सिद्धू को झटका देकर सीएम की कुर्सी बिना किसी शोर शराबे के हासिल कर लिया। वहीं अब खबर ये भी है कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान चन्नी को एक बार फिर सीएम का कैंडिडेट घोषित करने जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस के सीएम फेस का नाम उजागर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस नेताओं और गांधी परिवार की पसंद सिद्धू नहीं बल्कि दलित नेता और वर्तमान में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही हैं। खबरों की माने तो कांग्रेस के तमाम नेता चन्नी के नाम पर अपनी सहमति जता चुके हैं। वहीं पेच फंसा है तो सिर्फ सिद्धू को लेकर। अब कांग्रेस की कोशिश यह है कि सिद्धू को भी मना लिया जाए। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री पद के लिए चन्नी का नाम आगे होने का बड़ा और स्पष्ट संकेत तब मिला जब पार्टी ने उन्हें दूसरी सीट से उतारने का फैसला किया। उन्हें पहले चमकौर साहिब से टिकट दिया गया था, लेकिन बाद में भदौर विधानसभा क्षेत्र से भी उतारने की घोषणा कर दी गई। यानी यहां पंजाब में कांग्रेस नेता एक टिकट पाने के लिए लड़ रहे हैं, वहीं चन्नी अब दो जगहों से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मतलब साफ है कि सिद्धू का पत्ता पंजाब से कट गया और आलाकमान अब चन्नी के नाम पर सहमत हो गई हैं। इससे पहले पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों ही खुद को मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी की तरह पेश कर रहे थे। सिद्धू तो यहाँ तक कह चुके थे कि बिना दूल्हे के शादी कैसे होगी। ऐसे में अब कांग्रेस को जिस दूल्हे का इंतजार था वो चन्नी के रूप में मिल गया है और सिद्धू अब सिर्फ बाराती बनकर रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।